तो फाइनली बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले दो टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान को 3-0 से हराने के बाद अब इंडिया का अगला दौरा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ भारत का 5 टेस्ट मैच खेला जाएगा, जिसमें से पहला दो टेस्ट मैच के लिए भारत का स्क्वाड घोषित हो गया है। कप्तान रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने ईशान किशन, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद शमी जैसे कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं पर मुकेश कुमार, केएस भरत और ध्रुव जुएल जैसे कई खतरनाक खिलाड़ियों को मिला के एक बनाया खतरनाक स्क्वाड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। वहीं पर भारत की पूरी स्क्वाड, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए घोषित कर दिया भारतीय स्क्वाड। देखा जाए तो आज की इस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो प्लीज यार बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान को 3-0 से कुचलने के बाद अब भारत का अगला दौरा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला है, जिसमें भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज खेला जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी को राजीव गांधी स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। वहीं पर सेकंड टेस्ट मैच फरवरी 2 तारीख को विशाखापट्टनम स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। और इस दोनों ही टेस्ट सीरीज को अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो मोबाइल पर हॉटस्टार पर फ्री में देख सकते हो। तो आई होप आप अभी समझ गए होंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा। बात करें इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले भारत की स्क्वाड, तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना। चलिए अब बात करते भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले भारत की स्क्वाड। तो ओपनिंग के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा काफी शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में कप्तान रोहित शर्मा ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा काफी शानदार लय से बल्लेबाजी करते हैं। और कप्तान रोहित शर्मा का नाम 10 सेंचुरी है और एक डबल सेंचुरी है टेस्ट सीरीज मैच में। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे नंबर 2 पर शुभमन गिल को खेलने का मौका मिला है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल भी वनडे, टेस्ट और T20 सभी फॉर्मेट में काफी शानदार प्रदर्शन करते हैं। हालांकि अभी 2 महीने से उनके बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं आ रहे, आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों बीसीसीआई कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को मौका दिया है और हम आशा करते हैं शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसे नंबर 3 पर मौका मिला है वेसेसबी जसवाल को। जी हां दोस्तों, वेसेसबी जसवाल काफी अच्छा ताबड़तोड़ बल्लेबाज करते हैं और जरूरत के समय पर पार्टनरशिप बनाते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज में वेसेसबी जसवाल कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफी शानदार लय से बल्लेबाजी किया था और सेंचुरी भी लगाए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में वेसेसबी जसवाल सेंचुरी लगाएंगे। ऐसे ही नंबर 4 पर मौका मिला है द किंग विराट कोहली को। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली काफी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, कवर ड्राइव लगाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले महीने आपने तो देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसा शानदार बल्लेबाजी किया था और हम आशा करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में विराट कोहली काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसे नंबर 5 पर मौका मिला है केएस भरत को। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में केएल भरत को मौका मिला है। देखा जाए तो केएस भरत काफी शानदार लय से कीपिंग करते हैं, लेकिन जब बात करते बैटिंग तो केएस भरत कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने केएस भरत को मौका मिला है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि केएस भरत किस तरह प्रदर्शन करते हैं। जबकि नंबर 6 पर मौका मिला है केएल राहुल को। जी हां दोस्तों, केएल राहुल काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पिछले महीने हुआ था जो टेस्ट सीरीज में आपने तो देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया था, सेंचुरी भी लगाए थे और केएल राहुल काफी अच्छा कीपिंग भी करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो केएल राहुल काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और पार्टनरशिप भी बनाते हैं। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा इंग्लैंड के खिलाफ केएल राहुल किस तरह प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही नंबर 7 पर मौका मिला है सैयद शेर को। जी हां दोस्तों, सैयद शेर भी काफी अच्छा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, वो पार्टनरशिप बनाते हैं। आप सबने 2023 वर्ल्ड कप तो देखा होगा सैयद शेर ने किस तरह प्रदर्शन किया था, वो देखते ही देखते चौको छक्को की बारिश लगा लेते हैं। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ सैयद शेर किस तरह प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही नंबर 8 पर मौका मिला है ध्रुव जुएल को। जी हां दोस्तों, ध्रुव जुएल यहां पर डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ध्रुव जुएल रणजी ट्रॉफी में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में ध्रुव
काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, देखते ही देखते थे वो गेम को फिनिश भी करते थे। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि धूर्धर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में किस तरह अपना पहला डेब्यू खेलते है। जबकि नंबर 9 पर मौका मिला है रविचंद्र अश्विन को। जी हां दोस्तों, रविचंद्र अश्विन आए दिन काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। वो टेस्ट टीम में काफी अच्छा प्रदर्शन करते है, स्पिन गेंदबाज करते है और जरूरत के समय पर विकेट भी चटाते है। साथ ही साथ वो बैटिंग भी काफी अच्छा कर लेते है, वो शतक भी लगाते है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रविचंद्र अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में किस तरह प्रदर्शन करते है। ऐसे ही नंबर 10 पर मौका मिला है रविंद्र जाडेजा को। जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जाडेजा बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों में ही काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। रविंद्र जाडेजा विकेट भी काफी अच्छा लेते हैं। हालांकि अभी कुछ महीनों से रविंद्र जाडेजा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन अब हम आशा करते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में रविंद्र जाडेजा शानदार से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। जबकि नंबर 11 पर मौका मिला है अक्षर पटेल को। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल आए दिन काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। वो स्पिन गेंदबाज करके काफी अच्छा विकेट भी चटाते है, साथ ही साथ जरूरत के समय पर वो काफी शानदार से बैटिंग भी कर लेते हैं। अब देखना है इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में किस तरह प्रदर्शन करते हैं। ऐसे नंबर 12 पर मौका मिला है चाइनामैन कुलदीप यादव को। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव भी आए दिन काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो 5-5 विकेट चटा लेते हैं कि एक मैच में, लेकिन टेस्ट मैच में वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने कुलदीप यादव को मौका दिया है। अब देखना है इंटरेस्टिंग होगा कि कुलदीप यादव किस तरह प्रदर्शन करते हैं। ऐसे नंबर 13 पर मौका मिला है मोहम्मद सिराज को। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज T20 में तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन वनडे और टेस्ट में काफी शानदार से बल्लेबाजी करते हैं। वो शुरुआती दौर में ही गेंद को स्विंग कर काफी अच्छा विकेट लेते हैं। आप सबने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो देखा होगा मोहम्मद सिराज किस तरह प्रदर्शन करते हैं, और हम आशा करते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में भी मोहम्मद सिराज काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ऐसे नंबर 14 पर मौका मिला है जसप्रीत बुमराह को। जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह काफी अच्छा वर्कर करते हैं और हर गेंदबाज को धूल चटाते हैं। वो देखते ही देखते विकेट चटा लेते हैं। जसप्रीत बुमराह T20 वनडे और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में काफी अच्छा गेंदबाज करते हैं, और हम आशा करते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भी वो काफी शानदार से बल्लेबाज करेंगे। जबकि आखिरी और लास्ट 15 में मौका मिला है मुकेश कुमार को। जी हां दोस्तों, मुकेश कुमार वैसे तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने मौका मिल दिया है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में मुकेश कुमार किस तरह प्रदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले दो टेस्ट के लिए भारत की पूरी स्क्वाड। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच के लिए भारत ने इंग्लैंड को हराने में सफल हो पाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली इस बार सेंचुरी लगाने में सफल हो पाएगा? और आप रोहित शर्मा या विराट कोहली किसका फैन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।